अगर आप खुद का रेस्टोरेंट चलाते हैं या तो फिर आप जोमेटो जैसे ऐप डिलीवरी ऐप पे अपना रेस्टोरेंट का नाम रजिस्टर कराना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो जरूर देखिएगा आखिरी तक, तो आपको पता चलेगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, प्रणाम, हाय, खुशामुद्दीन, मैं तो अधूरा हूँ आप सबके बिन। आज हम बात करने वाले हैं जोमेटो के बारे में। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जोमेटो कई बार विवादों में आ चुका है। दरअसल जोमेटो में डिलीवरी बॉय ने एक बार ग्राहक का खाना खा के फिर वापस उसे वापस पैक करके और ग्राहक को डिलीवरी किया है डिलीवरी बॉय ने। और दूसरी विवाद है कि जोमेटो के डिलीवरी बॉय ने ट्रैफिक पुलिस के साथ में काफी बार हो चुका विवाद हो चुका है। सिर्फ ये दूसरी दूसरा हादसा है। और तीसरा है जो एक हिंदू कस्टमर ने एक मुस्लिम डिलीवरी बॉय से उनका खाना लेना मना कर दिया। सिर्फ काफी विवाद है जोमेटो में कई बार होते रहते हैं। और इतना ही नहीं, जोमेटो में काम करने वाले कर्मचारी भी कभी स्ट्राइक में आते हैं, उनको बराबर तनख्वाह नहीं दिया जाता है। ये ऐसी समस्या कई बार आपको सुनने को मिलता है और सोशल मीडिया में देखने को भी मिलता है। आज जरा हटके है, जोमेटो गोल्ड कार्ड जो होता है, जो आपने कई बार देखा होगा, आपने सुना भी होगा, उसके बारे में आज खुद जोमेटो विवाद में आ चुका है। जोमेटो वाले दरअसल क्या करते हैं कि कोई भी उनके मामले में विवाद होता है उसका ये लोग प्रचार कर लेते हैं, अपने जोमेटो कंपनी का प्रचार कर लेते हैं, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। पर इस बार काफी बुरी तरह फंसा है जोमेटो अपने गोल्ड कार्ड को लेकर। गोल्ड कार्ड वाला इनका ऐसा सिस्टम है, अगर आप कोई भी खाने का वस्तु, कोई भी आइटम खरीदते हैं उसके साथ एक पे एक फ्री या 50% डिस्काउंट, इस तरह का इनका स्कीम है। दरअसल इसमें नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया इनके तरफ से जितने भी रेस्टोरेंट हैं जो मुंबई, कलकत्ता और दिल्ली और गोवा और बेंगलुरु जैसे शहर में जितने भी रेस्टोरेंट हैं, ये लोग इस स्कीम से बाहर आना चाहते हैं। इसके लिए लोगों ने लॉग आउट कैंपेन चालू किया। इसके कारण लॉग आउट कैंपेन चालू करने के कारण काफी नुकसान झेलना पड़ा जोमेटो को, क्योंकि लोग इसके खिलाफ थे और इसके कारण जितने भी रेस्टोरेंट ओनर्स थे उनको काफी नुकसान झेलना पड़ता था। इसलिए लॉग आउट कैंपेन चालू करके ये लोग बाहर आने लगे। और ऐसे बाहर आने वाले काफी रेस्टोरेंट ओनर्स में एक है रघुनाथ एन एस प्रसाद, जो चेन ऑफ रेस्टोरेंट चलाते हैं। उनके कारण एक साथ 1200 रेस्टोरेंट ने लॉग आउट करने की धमकी भी दी थी कि हम बाहर निकलना चाहते हैं जोमेटो ऐप में से, जोमेटो हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते, हमारा रेस्टोरेंट इसमें रजिस्ट्रेशन रखना नहीं चाहते हैं आगे से। ऐसा इनका प्रॉब्लम था। तो रघुनाथन एस प्रसाद जो काफी बड़े बिजनेसमैन हैं, खुद का चेन ऑफ रेस्टोरेंट चलाते हैं, इन्होंने खुला खत लिखा था फेसबुक में जोमेटो को, दीपेंद्र गोयल को, कि ये कह के कि हम भी आपके ग्राहक हैं, आपके पार्टनर नहीं हैं। अब जब चाहे रूल बदलते रहते हैं और उसको हमें पालन करना पड़ता है, अगर हम पालन ना करें आप हमें धमकी भर खत लिख देते हैं। और इस बात का ध्यान रहे कि आप एक ब्रोकर है जबकि आप हमारे लिए काम करते हैं, और हम आपसे नहीं है बल्कि आप हमसे हैं। हम जब से धंधा कर रहे हैं आज या कल से धंधा नहीं कर रहे हैं, जबकि आप दूध पीते बच्चे थे तब से हम ये रेशन फील्ड में हैं, और रेशन में काफी लोगों को हमने रोजगारी भी दी है, और ग्राहकों से किस तरह हमें बनाए रखना है और कैसे रिलेशन मेंटेन करना है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। और आप जब से आए हैं तब आपके जो कायदे कानून ऐसे हैं कि हमें मजबूरन उसका फॉलो करना ही पड़ेगा, आपके जितने भी हैं जो भी आप रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। और खास तौर से अपना जो जो डायनोट का है, डायनोट और ये डाइनिंग और आपका ये गोल्ड कार्ड वाला हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, इसके कारण काफी रेस्टोरेंट ने लॉग आउट करने की बात कर दी। तो ये कहना चाहते हैं हमारे रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं रघुनाथ नरेश प्रसाद कि आपका जो रूल है अचानक आप बदलते हैं बिना नोटिस पीरियड देते हुए, जबकि नोटिस पीरियड आपको 45 डेज का देना होता है, उसके बगैर आप अपना रूल बदल देते हैं। सिर्फ उसके बाद इतना ही नहीं, इसके लिए हम आपको 45,000 हर महीने देते हैं। इतना कुछ करने के बावजूद, इतना कुछ देने के बावजूद आप अपना रूल जमा के रखना चाहते हैं, ये हम कभी इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और आपका ऐप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं सब उसको गंभीरता से नहीं लेंगे। ये कहना चाहते हैं हमारे रेस्टोरेंट के ओनर
रघुनाथन एस प्रसाद उन भेजे हुए मेल से। आप जबरदस्ती आपस में हमें बिड़ा लेते हैं, आप सिर्फ अपना हमारा डेटा रख के अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि दो रेस्टोरेंट के बीच आपस में आप रेटिंग के नाम पे आपस में आप भिड़ा देते हैं, जबकि हम पहले ऐसे कभी थे ही नहीं। और जब से आपका ऐप आया है एक तमाशा बन चुका है, जबकि लोग कस्टमरों को जबरदस्ती आप लेके आते हैं कि रेटिंग करने के लिए, या वो अपनी मर्जी से आते हैं, ये आप इस तरह कराते हैं। अगर हम लोगों से कहें कि आपके काम करने का जो तरीका है कि उसके बारे में आप रेटिंग करें दें, तो कोई भी आपके हित में कोई आपको रेटिंग नहीं देगा। क्योंकि जब भी कोई भी ग्राहक अपने डोनट कार्ड के लिए की बात करता है, उसके बारे में कुछ भी जानना चाहता है, फोन करता है अपने कस्टमर केयर से, पर कोई बराबर वहां से जवाब देता भी नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब अचानक आप रूल बदलते हैं, उसके बारे में जब भी मैंने पूछा है उसके बारे में मेरे को बराबर जवाब आया भी नहीं। ये मैं कहना चाहता हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, आप के जो कंपनी में जितने भी कर्मचारी हैं उसकी उनको आप बराबर तनख्वाह नहीं देते हैं, बराबर टारगेट अचीव ना करने का उनको बराबर उनको पगार भी नहीं दिया जाता है, और वो लोग भी आपके खिलाफ नारे लगाते हैं। इस तरह आपका धंधा चलता है। और जैसे भी आपका आपके ऐप में नया कोई रेस्टोरेंट आता है, आप उसकी पब्लिसिटी के लिए उसका रेटिंग बढ़ा देते हैं, और पुराने रेस्टोरेंट जो है उसका रेटिंग घटा के दिखा देते हैं, क्योंकि वो लोग एडवर्टाइजमेंट आपसे करते हैं जितने भी नए रेस्टोरेंट है। जबकि ग्राहक वाके चाहता है कि नहीं, वो तो जाके पता चलता है कि ग्राहक को कि वो जगह उन्हें पसंद है या पसंद नहीं है, बस आपके रेटिंग से ही ये लोग जानते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि रेटिंग ही सब कुछ है। आज हम ये धंधा आज या कल से नहीं कर रहे हैं, जबकि आपने कभी आके हमारे रेस्टोरेंट में अपने टेबल सजाया भी नहीं है, और हमारे ग्राहकों के लिए आपने कभी पकवान बना के दिया ही नहीं है। आप तो सिर्फ अपने डेटा से ही अपना गुजारा करते हैं। ये बात याद रख लीजिएगा कि रेस्टोरेंट का धंधा हम आज या कल से नहीं कर रहे हैं, काफी सालों से कर रहे हैं, जब आप दूध पीते बच्चे हुआ करते थे। यही ना कहा था हमारे रघुनाथन एस प्रसाद ने जोमेटो वाले को। ये वाकई सोचने लायक है, और बाकी हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये हकीकत है ये जोमेटो में जो हो रहा है। ग्राहकों के हित में होने के कारण, ग्राहकों के फायदा होने के करने के कारण यहाँ पे ये लोग इस तरह कर रहे हैं। दरअसल ये बात काफी हमें ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। ये मैं कहना चाहता था अब इस वीडियो में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। सत्या बाय रिव्यू को मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और जरूर मुझे बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मैं ऐसे और वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखिएगा, अपने घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।